आप सबका स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पर। मैं पंकज कुमार गुप्ता। आज हम क्लास के माध्यम से क्या पढ़ेंगे, साइंस का एक छोटा सा टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। ये छोटा सा वीडियो रहेगा। अब देखिए, अब हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्क होता क्या है, पहले आप एग्जांपल समझिए। अगर आप बैठे हो और सिर पे बोझ लिए हो तो क्या वर्क हो रहा है कि नहीं, अभी सोचिएगा। अभी दीवार पे आप धक्का दे रहे हो, दीवार आगे नहीं जा रहा है, सोचिए वर्क है कि नहीं। अगर आप कहीं मोशन कर रहे हो, साइकिल को धक्का दे रहे हो, तो क्या ये वर्क है कि नहीं, सोचिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आपने इतना चीज़ समझा तो वर्क का डिफिनीशन होता है क्या, ये जानिए पहले। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे आप इधर फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया, तो ये अगर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उधर जा रहा है तो वर्क डन है, लेकिन सिर्फ उधर ही जा रहा है तो नहीं, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। जैसे आप इधर फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी ऊपर चलेगी, ठीक है, लेकिन अगर ये बॉडी जस्ट आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो, बॉडी ऊपर जाने लगी, जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना के ऊपर भागने लगी, तो वर्क डन नहीं होगा। अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो नीचे जाने लगी, तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि आपका फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी ऊपर भाग रही है, ऊपर भाग रही है तो नहीं होगा, चाहे नीचे भाग रही है 90 डिग्री बना के फोर्स, ठीक है, तो नहीं होगा। दूसरा चीज़, कभी आपने बोला दीवार, दीवार पे तो आप धक्का दे रहे हो भाई, तो दीवार पे तो हमारा फोर्स लग रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, जब मोशन नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क का डिफिनेशन क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स मूव ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और थोड़ा सा एंगल बना के, जस्ट परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ पे होता है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब, जैसे कि आप धक्का दे रहे हो इसको, तो धक्का दे रहे हो, जिधर धक्का दे रहा उधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी चली गई, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर आप इसको धक्का इधर दे रहे हो लेकिन ये इधर नहीं जा रहा है, आपको धकेल दे रहा है, अपोजिट चला जा रहा है, ठीक है, फोर्स के अपोजिट, तो ये वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जीरो कब होगा, जैसे आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, ये फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ये आपका फोर्स इधर जा रहा है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, लेकिन ये बॉडी किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो वर्क डन यहाँ पर भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब देखो, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, अब बॉडी नीचे जा रही है, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में फोर्स है और बॉडी किधर जा रही है, वाई एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क का डिफिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम जानते हैं कि वर्क करने के लिए क्या चाहिए, भाई हम वर्क कर रहे हैं क्या चाहिए, ठीक है। तो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी जब हम कुछ खाते हैं तो शरीर में एनर्जी होती है, तभी तो हम वर्क करते हैं। तो एनर्जी का डिफिनेशन क्या होगा, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, हमारी कैपेसिटी है कि हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के बहुत से एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। अब एक होता है कि अगर एक कूली है, वो अपने सर पर बैग लिया है, ठीक है, और कूली चलता जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो देखो, जो बैग है वो बैग क्या लगा रहा है, नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, बैग वेट लगा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो भाई बैग तो नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, लेकिन कूली नीचे तो जा नहीं रहा है, कूली ऐसे जा रहा है, यानी बैग का वेट नीचे लगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ग्रेविटी का नीचे खींची जाती है, यानी बैग का वेट नीचे, लेकिन कूली का मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में है, कूली का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन गया है, जिसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये वर्क डन बाई द बैग है, बैग के द्वारा जो भी उसने बोझ लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है ऑन द सिस्टम, एक होता है बाई द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे आप किसी चीज़ पर धक्का मार रहे हो, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये ऑन द सिस्टम पे लग रहा है, ठीक है। अगर ये सिस्टम आप पे फोर्स लगाने लगे कोई ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो अब देखो, फोर्स के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फोर्स के हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं। फोर्स के हेल्प से हम साइकिल को धक्का मार सकते हैं, ठीक है, किसी गाड़ी फंसा है उसको धक्का मार के निकाल सकते हैं, फोर्स के हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं, फोर्स के हेल्प से आटा गूंथ सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स का देखो, फोर्स का एक न्यूटन नाम का आदमी था, उसने सोचा फोर्स के बारे में, ठीक है, उसने फोर्स के बारे में कहानी सोची कि बैठा था तो एक सेव गिरा नीचे की तरफ, तो क्यों गिरा, तो उसने लॉजिक लगाया कि ग्रेविटी कारण गिरा, तो वहाँ पर जी का रोल होता है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे कि फोर्स इतना कुछ है, लेकिन फोर्स का एक फार्मूला भी होता है, m into a,
एम मतलब मास, ए मतलब इंसुलेशन। मास मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होती है जो किसी बॉडी के अंदर का टोटल क्वांटिटी बताती है, यानी कितनी मात्रा है उसके अंदर। ए मतलब इंसुलेशन, यानी अगर आपने किसी बॉडी को धक्का दिया तो ये तो मास हो गया, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो मास आगे जा रहा है, ठीक है, और किसी स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है, तो भाई स्पीड से जा रहा होगा तो स्पीड के टर्म को समझने के लिए एक एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन क्या बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलास्टिक। अगर आप अभी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और कुछ समय बाद आपका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, तो किस रेट से आपका स्पीड चेंज हो गया उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। एफ निकालना है तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। ए मतलब एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आप समझ गए किस रेट से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। एम मतलब मास, मास मतलब क्वांटिटी, और मास कभी चेंज नहीं होता। अगर आप मून पे भी चले जाओ तो आपका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास इज स्केलर, वो सिर्फ क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी मतलब उसके अंदर कितने मास है, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, इन बातों पर, ठीक है। तो ये एफ का फार्मूला हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ रखे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखे हो, हवा में लटकाए हुए हो, तो उसका कुछ मास है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ग्रेविटी मतलब कि एक फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाई जाती है, तो वो जिस फोर्स से खींचेगी उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगा, देखो F इज़ इक्वल टू एम इंटू जी। एम इंटू जी, जी मतलब ग्रेविटी, ए मतलब जैसे आप रास्ते पर चल रहे हो आपका स्पीड चेंज हो रहा है। जैसे आप कभी देखो, मान लो इसको धक्का दे रही, ऑब्जेक्ट है, आपने इसको धक्का दिया तो फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे गया, ठीक है, लेकिन आप गुस्सा बढ़ा तो आपने ज़्यादा फोर्स बढ़ा दिया, तो स्पीड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का चेंज हो गया। तो भाई जैसे ही स्पीड चेंज हुआ तो किसी रेट से चेंज होगा ना, पहले 10 था बाद में 20 हो गया, भी क्या होगा आपका आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, द चेंज ऑफ स्पीड इन ए गिवन टाइम इज नोन एज एक्सेलेरेशन। तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, एम इंटू ए, और ग्राउंड खींच रहा है यानी अर्थ खींच रहा है ग्रेविटी के कारण, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।